नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। नोटबंदी पर सदन में हंगामे के आसार। पीएम मोदी ने सभी पार्टियों से मांगा सहयोग। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए ममता की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक निकलेगा मार्च। शिवसेना ने मार्च का किया समर्थन। कई दलों के शामिल होने की उम्मीद। आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे विपक्षी दलों के नेता। बार बार नोट बदलवाने वालों की होगी पहचान। सरकार का बड़ा फैसला। नोट बदलवाने पर आज से वोटिंग की तरह लगेगा स्याही का निशान। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल। एम्स में चल रहा है इलाज। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, भगवान श्री कृष्ण करेंगे मेरी मदद। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी। पेट्रोल 1.46 रुपए और डीजल 1.53 रुपए हुआ सस्ता। नोटबंदी ने पड़ोसी देश नेपाल की भी बढ़ाई चिंता। नेपाली पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। कहा, नेपाली लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों को बदलवाने की करें व्यवस्था। और चोट से जूझ रही साइना नेहवाल चीन ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के साथ करेंगी वापसी। पहले दौर में थाईलैंड की पोंटे बुराना प्रासेत्सुक से भिड़ेंगी साइना। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।